दोस्तों नमस्कार, संजय मग्गू हूं मैं और आप देख रहे हैं देश रोजाना। दोस्तों, हरियाणा प्रदेश की राजनीति में पिछले काफी समय से हलचल की स्थिति है। आपको ध्यान होगा, पिछले दिनों में चर्चाएं चली थी कि हरियाणा के मुख्यमंत्री को बदला जा सकता है। पिछले दिनों चर्चाएं चली थी कि हरियाणा के मंत्रिमंडल में विस्तार हो सकता है, बदलाव हो सकता है। हालांकि समय के साथ साथ दोनों चर्चाएं आज लगभग खत्म हो चुकी हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के बदले जाने की चर्चा को तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने खुद ही ब्राह्मण सम्मेलन में यह कहकर कि सोशल मीडिया, इंटरनेट और ट्विटर और व्हाट्सएप पर मुख्यमंत्री बनाए नहीं जाते, इस चर्चा को विराम दे दिया था। और जो मंत्रिमंडल में बदलाव की, मंत्रिमंडल में विस्तार की जो चर्चाएं थी, वे भी फिलहाल कहीं दबी हैं। लेकिन इन सबके बीच एक नई चर्चा शुरू हो गई और वो वास्तविक चर्चा है, वो होना है, वो तय है। वो चर्चा ये है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर आपने देखा होगा और आपने सुना होगा कि पिछले दिनों हरियाणा के कई मंत्रालयों को मर्ज किया गया, उनमें विभाग कम किए गए, लगभग 12 से 15 तक विभाग कम हो गए। जब वो विभाग कम हुए तो जो हरियाणा सरकार में वर्तमान में फिलहाल में जो मंत्री हैं उनकी पावर घटना तय है। कुछ मंत्रियों की पावर घटेगी। जिन मंत्रियों की पावर घटनी है उनमें सबसे पहले हैं हरियाणा के उप मुख्यमंत्री और जननायक जनता पार्टी के सुप्रीमो दुष्यंत चौटाला। दुष्यंत चौटाला के जो चर्चाओं में चल रहा है वो ये है कि दो विभाग दुष्यंत चौटाला से लिए जा सकते हैं और वो मुख्यमंत्री जी के पास जा सकते हैं। जो दो विभाग दुष्यंत चौटाला से लिए जा सकते हैं वो पहला विभाग है आबकारी व कराधान यानी कि एक्साइज एंड टैक्सेशन, और जो दूसरा विभाग लिया जाना है वो है पीडब्ल्यूडी यानी कि लोक निर्माण विभाग। दोस्तों, ये दोनों विभाग ऐसे हैं कि जिनको मलाईदार महकमा माना जाता है। ये दोनों विभाग ऐसे हैं कि जिनके अंदर मंत्री फुल फ्लैश होते हैं, उनकी पावर बहुत ज्यादा होती है। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला को जब ये पावर दी गई थी, जब ये दोनों विभाग दिए गए थे, तो उस समय भी भाजपा के अंदर कुछ अंदरूनी क्षेत्र में भाजपा के कुछ नेताओं ने विरोध जताया था। अब क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने कुछ महकमों को मर्ज कर दिया है तो उसके बाद तय है कि मंत्रियों से विभाग लिए जाएंगे। तो सबसे पहले हम चर्चा कर रहे हैं दुष्यंत चौटाला से जो विभाग लिए जाने हैं वो आबकारी व कराधान तथा दूसरा पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट है। दोस्तों, पिछले दिनों से वैसे ही काफी समय से जननायक जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में दरार की, रार की, मनमुटाव की खबरें चल रही हैं। अब जब दुष्यंत चौटाला से ये दो महत्वपूर्ण विभाग ले लिए जाएंगे और मुख्यमंत्री जी के पास चले जाएंगे तो जो गठबंधन में दरार और रार की बात चल रही है वो और बड़ी होगी, वो और जो खाई है वो और गहरी और चौड़ी होगी। दोस्तों, दूसरे जिन मंत्री के विभाग में बदलाव हो सकता है, चेंजिंग आ सकती है, वो है हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज। आपको पता ही, अनिल विज बहुत गुस्से में रहते हैं। जो पार्ट टू की सरकार है उसके अंदर सबसे पहले उनका जो तकरार रहा था वो सीआईडी के महकमे को लेकर रहा था। बाद में हालांकि सीआईडी का विभाग उनसे लिया गया और उसका एक नोटिफिकेशन जारी होकर वो मुख्यमंत्री जी के पास चला गया। बाद में उनसे जब एक साल पहले लगभग जो मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, लोकल बॉडी मंत्रालय लिया गया अनिल विज जी से और वो दिया गया कमल गुप्ता जी को। अब अनिल विज जी से एक विभाग और लिए जाने की भी तैयारी है। लेकिन अनिल विज जिस प्रकार गुस्से में रहते हैं, आपने देखा होगा पिछले दिनों जो मंत्रिमंडल की बैठक हुई थी चंडीगढ़ में सचिवालय के अंदर, अनिल विज उस बैठक से उठकर चले गए थे। हालांकि बाद में बात आई थी कि कोई नाराजगी थी, मना लिया गया था, विशेष काम था, पर्सनल काम था, लेकिन उस सब के पीछे बात यह थी कि अनिल विज जी से जो डिपार्टमेंट लिया जाना है उसे लेकर गुस्से में है। अब चर्चा यह भी है कि शायद अनिल विज को छेड़ा जाए या ना छेड़ा जाए, उनका विभाग यानी कि कम किया जाए या ना किया जाए। तीसरे जो मंत्री है जिनका विभाग कम हो सकता है वो है मूलचंद शर्मा। मूलचंद शर्मा जी से जो विभाग लिया जाना है वो विभाग है माइनिंग का। माइनिंग के विभाग को भी बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। माइनिंग का मायने खनन विभाग, और खनन विभाग यानी कि माइनिंग विभाग पिछले काफी समय से चर्चाओं में भी रहा है और उसकी माइनिंग के मामले को लेते हुए सरकार को कहीं ना कहीं कई बार कटघरे में भी आना पड़ा है। अब इन मंत्रियों से जब इनके कार्यभार कम किए जाएंगे तो मान लिया जाए कि जो भारतीय जनता पार्टी के कोटे के मंत्री हैं, चाहे वो अनिल विज हैं, चाहे वो मूलचंद शर्मा है, ये तो भाजपा का अंदरूनी मामला हो जाएगा। लेकिन जब जननायक जनता पार्टी के जो नेता हैं दुष्यंत चौटाला, जब उनके दो महत्वपूर्ण विभाग कम होंगे
तो जो गठबंधन की रार है, गठबंधन की दरार है, वो संभवतः और बढ़ सकती है और चौड़ी हो सकती है। अब ये तो तय है कि मंत्रिमंडल में, क्योंकि एक प्रस्ताव पारित हो चुका है, पहले ही बारे में भावों को मर्ज किया जा चुका है, तो तय है कि मंत्रियों की पावर तो घटेगी। अब मंत्रियों की पावर घटने के बाद में सरकार में कितनी पावर बचेगी, सरकार की पावर में कितना बदलाव आएगा, सरकार में क्या क्या फेरबदल हो सकते हैं, सरकार कहीं संकट में भी आ सकती है, गठबंधन कहीं संकट में आ सकता है, इन सब पर हमारी नजर रहेगी और आपकी भी नजर रहेगी। आप भी जानना चाहेंगे कि आखिर सरकार के अंदर इन सब मामलों के बाद में, इन सब बदलाव के बाद में किस प्रकार का बदलाव होगा, किस प्रकार की नई रणनीतियां बनेंगी, उस पर आपके साथ साथ हम भी नजर रखेंगे और समय समय पर आपको उन सब से रूबरू कराते रहेंगे। बस जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए देश रोजाना। और आपसे एक अपील और कि अगर आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें, और इस काम में कतई कंजूसी ना बरतें, हमारा साथ देते रहें। नमस्कार, धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।